मैं उधर शीशे चौक देना वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, अम्मी मेरे साथ आए हैं और मौसम जो देखा दो मैं आपको कि बहुत ही प्यारा है और हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कि आप फ्लैग में देख सकते हैं कि कितना अच्छा लहरा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लेके आया हूँ दो नई मुर्गियाँ और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इन मुर्गों के बीच ही गई घूम फिर रही हैं। एक ये जा रही है माशाल्लाह, ये वाइट ब्लैक बड़ी प्यारी मुर्गी है। ये ना अभी मुर्गों से डर रही हैं क्योंकि नई नई है और आस्ते आस्ते इनको आदत पड़ जाएगी, वो हमारे मुर्गों के साथ घुल मिल जाएंगी। और दूसरी हमारी मुर्गी कहाँ गई है जी? वो तो नज़र नहीं आ रही कहीं, किधर गई है? अम्मी दूसरी नवी मुर्गी किधर नहीं? वो एक दिखाई थी और ये रही इधर नहीं छुपी थी। और ये हमारी दूसरी मुर्गी माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी है। ये उनसे मिलती जुलती है, इसकी सुलह सफाई ना और हेलो हाय जल्दी जल्दी उनसे हो जाएगी उम्मीद करता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं काम हमारा, छत आपने पहले देखी हुई है तो अभी करते हैं लेट स्टार्ट इसकी सफाई। और वो छोटी यहाँ पे शुरू हो गई है झाड़ू लगाने और यहाँ पे अम्मी भी। तो मैं यहाँ पे करूँगा कुछ इस तरह के, ये जो पड़े हुए हैं ना शीशे यहाँ पे कोने में, इनको पहले समेटेंगे, शॉपर में डालेंगे और उसके बाद ये जो खलारा पड़ा हुआ है ना टाइलों का, इनको हम यहाँ पे लगा देंगे इकट्ठी करके यहाँ तक इतनी ऊँचाई लगा देंगे और ये जो जगह सारी ना हमारी साफ़ हो जाएगी और कवर हो जाएगी, बच जाएगी। तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो जी ये शीशे वगैरह डालने के लिए हमें चाहिए कोई चीज़, और इसके लिए हमें ये बेहतरीन दरकार है एक तोड़ा। तोड़े में हम शापर डाल के यहीं पे साइड पे लगा देंगे और ये जो पड़े हुए हैं हमारे, ये जो पता नहीं क्या चीज़ है, इनको फेंक देंगे हम। वो इनके नीचे कीड़े हैं, बचो इनसे। मैं ऊपर आ गई हूँ, मैं ऊपर आई हूँ तो देखा इन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है। और ये सबसे पहले काम ये कह रहे हैं कि ये सारे शीशे इकट्ठे करके डाल रहे हैं इस तोड़े के अंदर। और इन शीशों की स्टोरी ये है कि ये सारे शीशे शॉपर में थे और इन्होंने यहाँ पे लगना था और अबू लेके आए। उसके बाद अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि वो गिर गए और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर ये ना लग सके और चूज़ों ने इन सबको बिखेर दिया। तो अब ये सब कलेक्ट आउट कर रहे हैं ताकि इनको संभाल लिया जाए। सब देखते हैं इसके बाद कलेक्ट आउट करने के बाद ये कौन सा काम करते हैं। और ये अम्मी लेके आए हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो चारपियाँ बनी थी ये उनकी वो है, उसका गंद है तो अब ये वेस्ट है, इसको फेंका जाएगा। उठाए गए हैं और अभी हम करेंगे बेकार। ये जो घी वाले डब्बे होते हैं उनके बने हैं। हाँ। टिड्डियों ने अंडे दिए हैं यार, ये देखो बच्चे, टिड्डी मम्मी ठीक है? ओके चलो। हाथ आ गया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो जो टाइलें हमने जो थी वो सारी यहाँ पे रख दी हैं एक जगह से, दो ज़्यादा जगह इन्होंने ली हुई थी, गैप ज़्यादा था इनका और अभी थोड़े से गैप में हमने ज़्यादा टाइलें इस तरह कुछ एडजस्ट की। अब ये जो जगह है बहुत गंदी है नीचे, इसको अब हम साफ़ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे अच्छे से और शाम भी तकरीबन होने वाली है। और अम्मी ने वहाँ से सारी सर्विस है थी वो साफ़ कर दी है और अभी आपको बाद में दिखाएंगे। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है हमारा।
तो जी काम की सफाई करते करते हमें मिली है खुशखबरी। वो क्या है? बाजरा उगा हुआ है। बाजरा उगा हुआ है? हाँ। तो हमारे पास वो मिट्टी की जगह है, हम वहाँ पे बाजरा नहीं उगा सकते? चूजों ने नहीं छोड़ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये उनको बुलाएं वो खा लें। ये तो टाइलों के नीचे छुपा हुआ था ना, तो अब उनको बुलाएं कि वो खा लें। आ, 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 आ जाओ। तो ऐसे नहीं ना करें मिट्टी में। वो खा लेंगे खुद ही, कोई बात नहीं। चलो टाइम बहुत है हमारे पास, तो चलो कैरी ऑन। बाजरा होगा है? अजाने शुरू हो गई, अब आपको मिलते हैं अजानों के बाद। तो जब ये हमने जो टाइलें थी ये लगा ली हैं, और जो गार्डर थे वो इधर पड़े हुए थे, इधर से उठा के मैंने इधर लगा दिए हैं। जगह हमारी काफ़ी बच गई है, और ये छत जो सारी थी वो साफ़ हो गई है, और अभी इसके साथ शाम भी हो गई है, अजाने हो चुकी हैं और अंधेरा छा गया। ये छत भी चाहिए अम्मी ने और छोटी ने साफ़ की थी, ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और जो चूजे हैं वो अपने खुडे में जा चुके हैं इस वक्त। माशाल्लाह। तो ये जो खुड्डा हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ था पहले, अब इसकी थोड़ी सी ना पोजीशन चेंज करेंगे, उसको इस कोने में रखेंगे, क्योंकि अब बारिशों का मौसम है और सर्दियाँ भी आ रही हैं, और इधर कोने में रहेगा तो हवा थोड़ी सी ना इसको नहीं पड़ेगी, काफ़ी सेफ रहेगा। खुड्डा को हमने सेट कर लिया था अपनी जगह पे, और अभी भाई के साथ मैं करवा रहा हूँ सोलर प्लेट सेटिंग, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ी हुई थी जब गिरे हैं यहीं पे पड़ी हुई थी, और अभी इसको थोड़ा सा ना हमने जगह इसकी थोड़ी सी चेंज की है। जो सात पलों की छत थी वो फ्री थी, तो हमने उसको वहाँ पे लगा दिया है। और ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है वो मर के, तो इससे भी डर ही लग रहा है, ये भी स्लैप ही है, अल्लाह मचाए इससे बस। हाँ भाई लगा था। बैड न्यूज़ एक ये हो गई है कि मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, और इसकी जो फ्लैश लाइट थी वो बंद हो गई है, और ये मैंने साथ भाई की मोबाइल की फ्लैश लाइट अटैच की हुई है, तो अभी इसी से गुजारा करना पड़ेगा, और देखो अब ये कितना टाइम निकालता है ये भी। तो वेट हो रहा था टेप और कैंची का, और टेप और कैंची दोनों आ गई हैं, और अब इसका अगला काम जारी होगा। छुरी आई है? कैंची नहीं आई, कैंची ने से चलो जो बेहतर लगे। खुड्डे की सेटिंग कुछ हो गई है मुकम्मल हमारी, और ये देख लें आप, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में आपको ये कैसा लगा। और माशाल्लाह जी मुर्गियाँ सो रही हैं, अब इनको नीचे जाते वक्त इनको हम इनको अच्छे तरीके से बंद करके जाएंगे, ताला लगा जाएंगे। चलो जी शुरू हो जाओ भाई।
और अभी ये जो गन सारा हमारा इकट्ठा हुआ था ना भाई, इसको हिम्मत करके ना बड़ी बड़ी हिम्मत करके डालने लगे हैं। और ये देखे शाबाश शाबाश मेरे वतन के जवानों। मेरे वतन के जवानों ये मिट्टी गवाह रहेगी तुम्हारी, तुमने मेहनत की है। शाबाश क्लो भाई, हमने ये शाम से काम शुरू किया और आप हमें बात ना सुनाओ वरना आपको भी इस तोड़े के बीच डंप बंद कर देंगे हम। चलो बड़ा चलो जी। तो जी अभी हमारा ये आखिरी चक्कर है, आपको दिखा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये कूड़ा ना हम कहाँ फेंकने जा रहे हैं। उप्स। चाबी लगी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने सारा कूड़ा छूड़ा फेंक दिया घर का, फालतू जो भी कूड़ा करकट था यहाँ पे फेंक दिया। अब ये थोड़ा ये जो है यहीं पे रहेंगे, इनको बाय बाय करेंगे, घर चलेंगे। हमारा बाइक भी बंद हो गया। तो जी काम हमारा फिनिश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ्री हो गए, नीचे आ गए हैं और जो कूड़ा वगैरह था वो भी फेंक दिया और मुर्गियों को भी बंद कर दिया था। अभी थक टूट गए हैं और अभी नहाएंगे, फ्रेश होंगे और बालों का हाल देख लें, मेरे की मुंज बने हुए हैं और मुँह भी गंदा हुआ है, कपड़े भी गंदे हो गए हैं, नीट कपड़े थे और ये गंदे हो गए। अभी यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो का एंड करेंगे, हम नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे और खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, बस यही मेरा काम है। और तो अभी यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, तो मिलते हैं अच्छी से किसी ऐसी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें।